गुड इवनिंग बच्चों, जैसा कि मैंने कहा हुआ था कि जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे पार्ट्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको उस पर एक्सरसाइज आपको कराई जाएगी। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर एक्सरसाइज आपके सामने है और ये एक्सरसाइज जो है सारे जो आपके एग्जाम्स में दिए गए सेंटेंसेस थे वही आपको यहाँ पर दी गई है। तो चलिए एक एक करके आप देखते हैं और आप सारे वाक्यों को देखें और फाइंड आउट करें कि कौन सा पोर्शन है जिसमें आपको एरर दिया गया। ठीक है, ये पहला सेंटेंस आपके सामने है और आप देखें और बताएं क्या गलती है इस वाक्य में। फटाफट देखें और बोलें। फिर पहला वाक्य देख रहे होंगे, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्स, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्स इन द सेल्फ फाइनेंस कॉलेज अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट्स। क्या गलत है इसमें, देखें और जल्दी जल्दी जवाब दें इसका। सारे क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आपको दिए गए। द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्स, यानी जॉब ओरिएंटेड कोर्स का जो इंट्रोडक्शन है, इन द सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, यानी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे विद्यार्थियों को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। आ रहा है समझ में? अगर आप बच्चों ध्यान से देखेंगे तो इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो हमेशा ध्यान रखें, सब्जेक्ट जो होता है वो ऐसे होता है, देखें, सब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस आपके अदर नाउंस या प्रोनाउन होता है। तो अगर आपको यहां, जब आपने देखा ना कि ऑफ यहां है प्रीपोजिशन, तो ऑफ प्रीपोजिशन के पहले ही आपका सब्जेक्ट होगा, तो आपका सब्जेक्ट क्या है यहां पे, द इंट्रोडक्शन। अब इसके हिसाब से आप सोचें कि आपको चलना है आगे। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट आपका द इंट्रोडक्शन हो गया तो आप जॉब ओरिएंटेड कोर्स से कोई मतलब नहीं है, ये सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां भी देखिए इन के बाद, यानी यहां भी प्रीपोजिशन के बाद है आपका, तो इस द सेल्फ फाइनेंस कॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब आपके पास क्या है, अट्रैक्ट वर्ब है, ये अट्रैक्ट किससे गवर्न होगी, इससे, द इंट्रोडक्शन से। और द इंट्रोडक्शन क्या है, आप बिल्कुल आसान समझ सकते हैं, सिंगुलर है। तो अगर सिंगुलर है तो फिर जो आपकी वर्ब है वो आपकी अट्रैक्ट कैसे हो सकती है, अर्थात यहां पे आपको क्या लेना होगा इसके साथ, अगर ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो अट्रैक्ट में क्या जोड़ना होगा, आपको एस जोड़ना होगा और ये वाक हो जाएगा आपका अट्रैक्ट, अट्रैक्ट्स के साथ। ठीक है, यानी आपका वाक्य द इंट्रोडक्शन के अनुसार क्या हो गया, अट्रैक्ट्स हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को जो नहीं समझ पा रहा हो, सब्जेक्ट वास्तविक सब्जेक्ट अगर आप ढूंढना सीख लेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये आपके सामने है दूसरा सेंटेंस, बोले हम फटाफट जवाब दें, इससे आपको पता चलेगा कि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे जो आपने पढ़ाई की थी उसका आप कितना फायदा ले रहे हैं। आप द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। क्या गलत है, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन, बोले बोले क्या जवाब होगा इसका। सबसे पहले तो आप ये समझ रहे होंगे, आप ये प्रीपोजिशन आपका है ना, अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसके पहले ही आपका सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट आपका द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट है, अर्थात ये आपका जो सब्जेक्ट है बच्चों वो क्या है, एक यहां से देख लें, एक कंपाउंड नाउन कहिए या कंपाउंड सब्जेक्ट कहिए,
इस कंपाउंड सब्जेक्ट में आपके पास द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट है। क्या इस फाइनल एक्ट के पहले द लगा है? क्या ये द फिफ्थ और फाइनल एक्ट अलग अलग हैं? ये फाइनल एक्ट ही तो पांचवा है ना, या पांचवा ही तो फाइनल एक्ट है ना, अर्थात ये दोनों क्या हैं? ये एक ही हैं। और जब ये दोनों एक हैं तो फिर यहाँ पे आपका कंटेन कैसे हो जाएगा? वर्ब आपकी क्या है यहाँ पे? कंटेन। इस कंटेन में इंस किसी चीज़ से युक्त होना, रखना, यानी द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ का जो पांचवा और अंतिम एक्ट है कंटेन द स्लीप वॉकिंग, उसमें क्या है? स्लीप वॉकिंग सीन है उसमें, ठीक है। तो जो यहाँ कंटेन नहीं होगा, जब आप ये दोनों मिल करके एक ही हैं तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? कंटेन्स हो जाएगा, हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि आपको सिंगुलर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोले द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, विभिन्न जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, परिणाम हैं ऑफ डिसीजन, निर्णय के, यानी निर्णय के जो निर्णय के विभिन्न परिणाम हैं, अलग अलग परिणाम हैं, टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो वित्त मंत्रालय के द्वारा टेकन लिए गए हैं, वॉज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स, उसके बारे में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, वॉज नॉट फोरसीन, वो उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, पहले से उसके बारे में सोचा नहीं गया, देखा नहीं गया, उन्होंने अनुमान नहीं लगाया उसका। बोले फटाफट क्या जवाब होगा इसका? अब तो आपको आना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये आप क्लियर हैं, और अब धीरे धीरे आप अपनी सब्जेक्ट चूज करना शुरू कर लें कि हमारा, जैसे ही हमने देखा कि यहां पर आफ है तो प्रीपोजिशन के पहले जो हमारे नाउन या नाउन्स हैं वही क्या होंगे? सब्जेक्ट। तो हमारा रियल सब्जेक्ट क्या होगा? द वेरियस कॉन्सिक्वेंस। अब इससे कोई फर्क नहीं, आपके बाद डिसीजन है, टेकन है, क्या है, कोई मतलब नहीं आपका है। आपका जो रियल सब्जेक्ट है वो है द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज। तो आपको जो वर्ब खोजनी होगी वो किसके अनुसार खोजनी होगी? वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज। और ये वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज जब भी होगा क्या होगा? प्लूरल होगा आपका, प्लूरल वर्ब लेगा। अगर प्लूरल वर्ब लेगा तो क्या प्लूरल वर्ब है आपके पास यहाँ पर? नहीं, नहीं ना। तो ये जो वाज है ये क्या हो जाएगा आपका? वर हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए सारे सेंटेंस बाद में भी अपने से भी आप देखिएगा ताकि आप इन्हें बेहतर तरीके से कर सकें, समझ सकें आप। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं हम लोग। ये बोले द लिस्ट ऑफ द नेम्स। अब तो आ जाना चाहिए आपको कि एक चीज दिमाग में आ जानी चाहिए कि आप आपके बाद जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपके बाद जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट नहीं होगा। ये तो मन में बना लेंगे आप अपना कि आपका रियल सब्जेक्ट जब भी होगा क्या होगा? द लिस्ट। और अगर द लिस्ट होगा तो आपकी वर्ब जब भी आएगी किसके अनुसार आएगी बच्चों? वो द लिस्ट के अनुसार। अब आप खोजें वर्ब को, द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द टैक्स डिफॉल्टर्स वर्ब। देखें ये जो टैक्स डिफॉल्टर से सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये इस प्रीपोजिशन के बाद है, ऑफ के बाद। द नेम्स जो है वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये इस प्रीपोजिशन के बाद है। तो सब्जेक्ट जब भी होगा क्या होगा आपका? द लिस्ट। तो द लिस्ट सूची तो सिंगुलर है ना, तो अगर सिंगुलर है तो फिर यहां पे आप क्या वर्ब ले रहे हैं यहां पे? वर्ब। अगर ये द लिस्ट जो है वो आपका कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जब भी लेगा वो सिंगुलर वर्ब लेगा, अर्थात ये पोर्शन आपका क्या है? गलत। यहां क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? ये कह रहा है आपसे द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द टैक्स डिफॉल्टर्स, जो टैक्स डिफॉल्टर्स थे उनके नामों की जो सूची है वो सूची वर पब्लिश्ड, प्रकाशित की गई थी इन द न्यूज़पेपर। किसमें? न्यूज़पेपर में। क्या प्रकाशित की गई थी? उन नामों की सूची। तो सूची सिंगुलर होगा, इसीलिए यहां वर के बजाय आपने क्या ले लिया? वाज।
समझ में आ रहा होगा। चलिए, जिन बच्चों को समझ में आ रहा हो, बच्चे लाइक और कमेंट करना ना भूलें बच्चों, अपनी राय जरूर रखें, और जो बच्चे नए हो वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बिवरेज, अभी हम अपने जोड़ दे रहा हूं, वर वेरी स्ट्रेंज, ठीक है। ये आपका सी हो गया, और यहां हो गया आपका नो एरर, और ये आपका डी हो गया। बोले बच्चों क्या गलत है। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेज वर वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब था वो। क्या सच अदर बेवरेज, यानी जो अन्य बेवरेज थे और जो टी और कॉफी थे, उनका जो इंट्रोडक्शन था वो इंट्रोडक्शन क्या था, इसी पर तय करना है कि यहां वर होगा या नहीं होगा। बोले यहां पर वर होगा या नहीं होगा, क्या हमारा सब्जेक्ट वो बेवरेज है, क्या हमारा सब्जेक्ट यहां पे टी एंड कॉफी है, या हमारा सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से पहले आया हुआ इंट्रोडक्शन है, क्या है, द इंट्रोडक्शन है। और अगर ये द इंट्रोडक्शन हमारा सब्जेक्ट है तो इंट्रोडक्शन कौन सा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब क्या ये होगी, क्या आपकी प्लुरल वर्ब होगी, नहीं होगी, क्या हो जाएगी यहां पर भी आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, अर्थात आपका जो यहां पे वर है ये क्या है, गलत है, यहां क्या हो जाना है बच्चों, वाच हो जाना है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जल्दी जल्दी जवाब दें आप, और राइज इन रेंट्स एंड वेजेस हैव बीन फाउंड टू गो टुगेदर, और राइज, राइज में समझते होंगे अधिकतम, जब कोई दाम वगैरह बढ़ता है तो वो राइज होता है आपका, और राइज इन रेंट्स एंड वेजेस, यानी रेंट्स में जो किराए वगैरह होते हैं एंड वेजेस जो मजदूरी वगैरह होती, इनमें जो राइज है have been found to go together, ये right जो है ये have been found, ये पाया गया है to go together, साथ साथ चलते हैं, यानी rents में अगर rise होता है तो wages में अपने आप क्या हो जाता है, rise हो जाता है, दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन क्या साथ साथ चलते हैं उनमें rise, देखें क्या ये rents and wages subject हो सकते हैं, अब तो आसान होना चाहिए आपके, हो सकते हैं, कभी नहीं, क्योंकि ये किन के बाद आए हैं, प्रीपोजिशन के बाद, तो फिर ये सब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं। अगर ये सब्जेक्ट नहीं होंगे तो प्रीपोजिशन के पहले सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट क्या है, अराइज, अगर अराइज सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट कैसा हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो फिर वर्ब भी क्या लेगा, ये सिंगुलर वर्ब लेगा, और आपने वर्ब लिया क्या है, हैव, तो यहां क्या हो जाएगा आपका, हैज, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, आगे बढ़े। सेवेंथ क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, बिकॉज कफिंग स्प्रेड जर्म्स एंड राम इज कफिंग, राम इज स्प्रेडिंग, बिकॉज कफिंग स्प्रेड जर्म, क्योंकि खांसने से क्या होता है, स्प्रेड जर्म्स, क्या फैलता है, जर्म्स फैलते हैं, कीटाणु फैलते हैं, एंड राम इज कफिंग, और राम क्या कर रहा है, खांस रहा है, तो राम इज स्प्रेडिंग, तो राम उन कीटाणुओं को क्या कर रहा है, फैला रहा है, क्या गलत है, बोले बच्चों सोचें, सोचें, सोचने से ही दुनिया चलती है, एप्पल कंपनी सोच पे ही आज यहां तक पहुंच गई, सोनी कंपनी कहां से कहां तक पहुंच गई, क्योंकि उन्होंने सोचा, और हम आप सोचने से घबराते हैं, थोड़ा सा कहीं फंस जाते हैं, चीजें नहीं समझ में आती हैं तो फिर घबरा जाते हैं और सोचते हैं अरे ये तो नहीं समझ में आ रहा है, कभी ये नहीं सोचते हैं कि हर समस्या का एक समाधान है। तो क्या समझ में आया, सब्जेक्ट क्या बिकॉज है, बिकॉज तो कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता है ना, बिकॉज कफिंग स्प्रेड जर्म्स एंड राम इज कफिंग, यहां से तो पूरी क्लास अलग है एंड से ना, राम इज कफिंग, राम इज स्प्रेडिंग, तो ये पहले देख लेते हैं, राम इज कफिंग ये तो सही है, राम इज कफिंग, राम इज स्प्रेडिंग ये भी सही है, ये भी सही है,
ये भी सही, यानी गलती कहीं यहीं पे है, बिकॉज कफिंग स्प्रेड जर्म्स में। तो बिकॉज कफिंग स्प्रेड, स्प्रेड क्या है यहां पे, ये क्या है आपकी वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो फिर कफिंग यहां क्या होगा, सब्जेक्ट। और अगर आपको याद हो ये सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट होगा बच्चों, जेरंड। तो याद आ गया, कोई एक जेरंड हो, कोई एक इन्फिनेटिव हो और कोई एक क्लास हो, वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो अगर कफिंग सिंगुलर है तो फिर स्प्रेड कैसे ले सकते हैं, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी लेगा क्या लेगा, वो सिंगुलर वर्ब। तो स्प्रेड को सिंगुलर बनाने के लिए आपको क्या जोड़ना होगा, एस, अर्थात बिकॉज कफिंग स्प्रेड्स जर्म्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके पास हैं, अगर आपको समझ में आए, कोई दिक्कत हो, आप आराम से बैक हो और आराम से देख लें आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोले फटाफट, टू मेक हिम सक्सीड, उसे सफल बनाने के लिए, द करेक्ट थिंग टू डू, जो सही चीज है करने को, आर टू पनिश हिम अनटिल ही ट्राइज, आर टू पनिश हिम, तब तक उसे पनिश करते रहना है, अनटिल ही ट्राइज, जब तक कि वो कोशिश न शुरू कर दे। क्या गलत है, बोले आपके जवाब आपको फायदा करेंगे, आपको कहीं कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा, मेरा जवाब आपको कम बेनिफिट देगा, इसलिए अपनी कोशिश करें। यहां पे देखें वाक्य को अच्छे से देखें, सोचें क्या होगा। To make him succeed, the correct thing to do, यानी उसे सफल बनाने के लिए, the correct thing to do, जो सबसे सही चीज, मतलब जो सही चीज है to do करने को, are to punish him, ये तो सही ना, until he tries, कोई दिक्कत नहीं यहां पर, ये भी सही है, to make him succeed, कोई दिक्कत नहीं। द करेक्ट थिंग टू डू, ये आपकी फ्रेज है ना, द करेक्ट थिंग टू डू एक फ्रेज है, क्या है, एक फ्रेज है। तो अगर कभी भी आपके पास एक जेरंड है, एक इन्फिनेटिव है, एक फ्रेज है, एक क्लाज है, तो ये जब भी यूज करेंगे इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और अगर सिंगुलर वर्ब आएगी तो क्या आपके पास सिंगुलर वर्ब है, है आपके पास, नहीं है, ये आर क्या हो जाएगा आपका, इज हो जाएगा ना। टू मेक हिम सक्सीड, द करेक्ट थिंग टू डू, यही आपका सब्जेक्ट है ना, द करेक्ट थिंग, जो हमें करने को, जो किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, इज हो जाएगा, क्योंकि एक फ्रेज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट लगी, इसलिए यहां पर आर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये नाइन्थ प्रश्न आ गया हमारे सामने, देखें और बोले, आई नो नाउ एंड आई हैव ऑलवेज नोन दैट helps comes first from within, मैं अब जानता हूं, and क्या इसमें कोई दिक्कत है, I know now, मैं अब जानता हूं, and I have always known, और मैंने हमेशा जाना है, सही है, I have always known, ये गलत कब होता, यदि ये वाक्य ये होता यहां पर, I have always been Knowing. अगर ये होता तो ये गलत होता, क्योंकि नोविंग का प्रयोग आप आईएनजी में ऐसे नहीं कर सकते, बट ऐसा तो नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो है नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट लिया, आई हैव ऑलवेज नोन, तो ये भी सही है। अब यहां तक कि हमारी क्लॉजेस सही है, आई नो भी सही है, आई नो नाउ पूरी क्लास सही है, एंड कंजंक्शन जोड़ा गया तो अगली क्लास भी सही आपकी है, आई हैव ऑलवेज नोन, तो गलत कहीं आगे है, बोले कहां गलत है इसमें, That से आपकी अगली क्लास शुरू हुई, यानी यहीं पे कहीं लोचा है, क्या है यहां पे, helps सिंगुलर है या प्लूरल,
बोलें हेल्प्स, सिंगुलर है या प्लूरल, हेल्प्स प्लूरल है ना, तो आपका सब्जेक्ट जो हो गया वो क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, पीएस हो गया। और अगर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हर हाल में जो वो वर्ब लेगा वो वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। यानी अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या रहेगी आपकी, प्लूरल वर्ब होगी। तो अगर प्लूरल वर्ब होगी तो अब देखते हैं हेल्प्स के लिए प्लूरल वर्ब है कि नहीं हमारे पास। तो हेल्प्स के लिए हमने लिया है कम्स, सही है क्या, सही है, बिल्कुल नहीं। तो हेल्प्स के साथ कम्स कैसे हो जाएगा, हेल्प के साथ क्या होगा, हेल्प्स के साथ कम होगा। यानी यहीं पे लोचा था आपका, ये पोर्शन जो है आपका वो क्या है, गलत है आपका, ठीक है। इसकी हिंदी बहुत अच्छी है बच्चों, देख लें, आई नो नाउ, अब मैं जानता हूं, एंड आई हैव ऑलवेज नोन, और मैंने हमेशा से जाना है, दैट की हेल्प्स कम, यानी सहायताएं जो होती हैं वो आती हैं फर्स्ट फ्रॉम विद इन, कहां, आपके अंदर से। एक और तरीका है बच्चों, अगर आप चाहें कि सर हेल्प्स क्यों लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल ले लीजिए ना, आप क्या करिए, तब हेल्प्स को क्या बना लीजिए, हेल्प बना लीजिए, और तब आप कम्स जो आपका है वो क्या हो जाएगा, ये ज्यादा बेहतर बच्चों। यानी ये हेल्प्स कम की बजाय क्या बेहतर होगा, हेल्प कम्स, हेल्प को हेल्प्स बनाने से बेहतर होगा कि आप हेल्प बना लें और इसे कम्स, ठीक है, समझ गए होंगे बाप। चलिए, वैसे भी हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहली मदद आपको आपके अंदर से मिलती है, आपकी अंतरात्मा की ताकत आपको देती है, आपका नैतिक बल, आत्मबल आपको देता है। तो इसी आत्मबल के सहारे दसवां क्वेश्चन करिए, अपने अंदर से ताकत लीजिए, सहायता लीजिए, बोलिए, हाउ वेल अ पर्सन कंप्लीट्स हिज ओन असाइनमेंट्स डिपेंड अपॉन हिज स्किल, बोले फटाफट और जल्दी जल्दी जवाब दें, क्या गलत है इसमें, बोले कुछ समझ में आ रहा है। यहां पे हमेशा ध्यान रखें, जहां पर भी एक फ्रेज आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा, जहां पे एक क्लॉज आपकी सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगी, जहां पे एक इन्फिनेटिव सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगी, जहां पे एक जीर्ण सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा, बोले क्या गलत है इसमें। सेंटेंसेस को धीरे धीरे समझना सीखें, फॉर्म करना सीखें। ये क्लियर है ना कि आपका प्रेडिकेट यहां से शुरू हो रहा है, यहां से आपका प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट किसके अनुसार चलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है यही पहचानना है। सब्जेक्ट है आपका ये पूरी क्लास, ये पूरी क्लास आपकी क्या है बच्चों, ये आपकी सब्जेक्ट। How well a person completes his own assignments, नहीं कितनी अच्छी तरह से एक व्यक्ति पूरी करता है his own assignments, अपने कार्यों को, अपने assignments को depend। तो अगर ये पूरी class आपकी क्या है, subject, तो अगर class आपकी subject है तो class क्या होगी आपकी, singular subject होगी। तो अगर singular subject होगी तो verb भी क्या लेगी, वो verb भी क्या लेगी, सिंगुलर लेगी। तो बस इतना ही तो देखना है कि वर्ब आपकी सिंगुलर है कि नहीं है, डिपेंड सिंगुलर हो सकता है क्या, नहीं ना, क्या हो जाएगा यहां पे, डिपेंड्स हो जाएगा ना, यानी डिपेंड्स अपॉन हिज स्किल, यानी कोई व्यक्ति कितनी अच्छी तरीके से अपनी कार्य को पूरा कर लेता है, असाइनमेंट को, डिपेंड्स अपॉन हिज स्किल, ये उसके स्किल पर, उसकी क्षमता पर क्या होता है, निर्भर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे क्वेश्चन रेगुलर करेंगे, खुद ही समझते जाएंगे आप, बोलें नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, यानी समस्याओं को समझना कठिन है, दैट द फिजिकली चैलेंज्ड पीपल एनकाउंटर्स इन देयर डेली लाइफ, यानी इट इज डिफिकल्ट, सही ना, इट के साथ इज डिफिकल्ट सही है, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, सही, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, समस्याओं को समझना, यानी समस्याओं को समझना मुश्किल है, दैट जिन समस्याओं को द फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, यानी जो फिजिकली चैलेंज पीपल होते हैं, मीन शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं दिव्यांग होते हैं, विकलांग होते हैं, ऐसे लोग फेस करते हैं, ऐसी समस्याओं को क्या करते हैं, वो इनकाउंटर्स करते हैं, कौन लोग इनकाउंटर करते हैं, द फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, इन्हीं के लिए,
यानी द फिजिकली चैलेंज्ड पीपल के लिए क्या है, ये एनकाउंटर्स है, सही होगा क्या? फिजिकली चैलेंज पीपल तो प्लूरल हो गया ना, तो अगर आपका सब्जेक्ट पीपल प्लूरल है, अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट आपके पास है, तो फिर वर्ब भी क्या होगी आपकी, प्लूरल वर्ब होगी। क्या प्लूरल वर्ब है आपके पास? एनकाउंटर्स, सामना करना, क्या प्लूरल है? नहीं ना, यहां क्या हो जाएगा, यहां पे आपके पास एनकाउंटर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। चलिए, एनकाउंटर मीन्स आमना सामना होना, मुठभेड़ होना, तो यहां पे सामना करने के सेंस में एनकाउंटर का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। इन रिसेंट मंथ्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज बीन सीन इन दिस कॉलेज। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप अपने आप को क्षमा नहीं करिएगा, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने मेरा सेगमेंट पूरा पढ़ा हुआ है। कहाँ पे अ नंबर ऑफ है तो क्या होगा, द नंबर ऑफ है तो क्या होगा, द वैरायटी ऑफ है तो क्या होगा, ये सारी चीजें बच्चों तैयार कर लें। क्या अगर अ नंबर ऑफ है, अ वैरायटी ऑफ है, अ मेजॉरिटी ऑफ है तो क्या होगा, और अगर द नंबर ऑफ है, द वैरायटी ऑफ है तो क्या होगा, और द मेजॉरिटी ऑफ है तो क्या होगा, और भी देख लें, द क्वांटिटी ऑफ, द अमाउंट ऑफ है तो क्या होगी, सारी चीजें धीरे तैयार करते जाएं। तो इन रिसेंट मंथ्स, हाल के महीनों में, अ लार्ज नंबर, जैसे ही लार्ज नंबर आपने देखा ऑफ स्टूडेंट्स, तो देखा आपने प्लूरल है ना, तो अ लार्ज नंबर प्लूरल के लिए लगेगा, इसका मतलब यहां हैज बीन नहीं होगा। समझ गए होंगे क्या हो जाएगा, समझ गए, यहां हैज बीन के स्थान पर जब ये अ लार्ज नंबर ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब भी आपकी क्या होगी, प्लूरल होगी, अर्थात हैज बीन के स्थान पे क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने है, 13th क्वेश्चन पे आ गया, एक इनऑस्पिशियस नंबर कहलाता है 13, जो क्रिश्चियनिटी है उसमें 13 को इनऑस्पिशियस, अशुभ, अमंगलकारी माना जाता है, लेकिन हम इसे मंगलकारी बनाते हैं, ठीक है। सम लीडर फील्स दैट द यूज ऑफ इंग्लिश, द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल हैम्पर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। सम लीडर फील्स, कुछ नेता महसूस करते हैं दैट की द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ध्यान रखिए बच्चों, ये जो ऑफ है इस क्लास में इसका सब्जेक्ट क्या है, द यूज, द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल, तो मैटर खत्म हो गया द यूज का, क्योंकि मॉडल के साथ इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका सिंगुलर है या प्लूरल, यानी चाहे आपके पास एसएस हो सिंगुलर सब्जेक्ट, चाहे आपके पास पीएस यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो, यहां पर जो मॉडल होगी आपकी वो दोनों रूपों में होती, ये एसएस भी होती और पीएस, सॉरी पीएस, दोनों को एक समान रूप से, इस पर कोई फर्क नहीं आता, ये वही रहती है आपकी, यानी विल हैम्पर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हैम्पर जानते होंगे बाधा डालना, अवरोध उत्पन्न करना होता है। द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, यानी सम लीडर फेल्स, तो कुछ नेता महसूस करते हैं दैट की द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि अंग्रेजी भाषा का जो प्रयोग है विल हैम्पर, वो बाधा डालेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, राष्ट्र की प्रगति में। तो क्या गलत लग रहा है आपको, जो अच्छे बच्चे हो देखें, ये तो समझते होंगे, सम प्लस अनकाउंटेबल नाउन हो तो फिर ये आपका क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, सम प्लस कोई प्रॉपर नाउन हो तो भी ये क्या लेगा, सिंगुलर लेगा,
लेकिन सम प्लस कॉमन नाउन हो, और वो कॉमन नाउन भी कैसा हो, काउंटेबल हो, तो पहले ये जान लें वो काउंटेबल नाउन जब भी होगा क्या होगा बच्चों, प्लूरल होगा। तो क्या यहाँ ऐसा हुआ, क्या हम किसी प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं? नहीं, कॉमन नाउन लिया हमने लीडर, तो इसका मतलब लीडर कैसे होगा सम के बाद? सम के बाद सबसे पहले क्या बना लें, लीडर को हम क्या बना लें, लीडर्स। और अगर लीडर्स होगा तो लीडर्स के साथ फील्स कैसे होगा, क्या हो जाएगा, फील हो जाएगा। समझ गए? यानी सम के बाद आपको क्या समझना है, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, सम बॉय हैज कम, क्या ये अच्छा है? नहीं, आपको क्या लिखना चाहिए, सम बॉयज हैव कम। अगर आपको बॉय लिखना है तो सम क्यों लिखते हैं, या तो आप ए ले लें अब बॉय हैज कम, या क्या ले लें अगर आप जानते हैं तो द बॉय हैज कम ले लें। तो वैसे ही अगर ये एक नेता की बात होती तो आप यहां क्या करते, सोच के देखें, आप इस सम के बजाय क्या ले लेते, द, तो हो जाता द लीडर फील्स। पर अगर आप सम ले रहे हैं तो फिर यहां लीडर नहीं लीजिए, क्या लीजिए आप यहां, लीडर्स। और जब लीडर्स लेंगे तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि फील्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये फील हो जाएगा। समझ गए होंगे आप इतने में, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन, आगे करीब करीब हम किनारे पर आ गए हैं, मीन्स मेथमेटिक पार करने वाले हैं। अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स, अब तो कहते ना वो यू मस्ट कीप इट इन माइंड, यानी आपको इसे दिमाग में अवश्य रख लेनी चाहिए। अब इस प्रीपोजिशन के बाद क्या है ये मायने नहीं रखता है, प्रीपोजिशन के पहले ही हमारा सब्जेक्ट होगा, है ना, ये तो अ टेक्निकल व्यू, ये क्लियर है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब खोजिए ना अब धीरे धीरे, सिंगुलर वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स समटाइम्स, ये तो एडवर्ब है, समटाइम्स डिफर, मिला बच्चों, डिफर। डिफर कैसे होगा, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ना, डिफर्स। अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स, यानी नए नए जो गैजेट्स आते हैं इनका जो टेक्निकल व्यू होता है, तकनीकी व्यू होता है, पॉइंट होता है, समटाइम्स डिफर्स, कभी कभी वो अलग अलग होता है फ्रॉम एन इकोनॉमिक परस्पेक्टिव, किसके किससे अलग होता है, इकोनॉमिक परस्पेक्टिव, यानी जो आर्थिक परस्पेक्टिव होता है, सोच होती है, उससे टेक्निकल व्यू क्या होता है गैजेट्स का, नए गैजेट्स का अलग होता है, तो डिफर नहीं होगा, यहां क्या हो जाएगा, डिफर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15th आ गए हम लोग। अपने से देखें, अपने साना चाहिए आपको, सेंटेंस बढ़ाए बट इसका आंसर बहुत आसान है, कर लेंगे आप, कोशिश करें। अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, क्या आपको बताने की जरूरत पड़ेगी अब कि ऑफ के बाद भूल जाइए कि आपको कभी भी इसके अनुसार वर्ब लेनी है, याद आ जाएगा ना, आपकी वर्ब जब भी आएगी और लेटर के अनुसार आएगी। अब तो आसान हो जाना चाहिए बच्चों, आप कितने भी कमजोर हों, अगर अ लेटर के अनुसार आएगी तो आगे देखें, अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट, लेकिन प्रेडिकेट यहां से शुरू हुआ आपका, अगर यहां से शुरू हुआ तो बताने की जरूरत नहीं है, ये प्रेडिकेट किसके अनुसार चलेगा, अ लेटर के अनुसार। तो अ लेटर क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या होगी आपकी, सिंगुलर वर्ब होगी, है क्या, है नहीं है, इसका मतलब यहां हैव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सो इजी बच्चों, अब इससे आसान क्या चाहिए, आप इतना बड़ा सेंटेंस लें, इतना छोटा सा आंसर है इसका, समझ जाएंगे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ये कह रहे हैं अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, यानी सिफारिश का एक पत्र, कहां से, फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड व्हाट द हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट, यानी जो प्रिंसिपल हैं और जो हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट हैं, इनके रिकमेंडेशन का एक जो पत्र है, हैज हेल्प हिम, उस पत्र ने उसकी मदद की है
टू गेट हिम ल्यूक्रेटिव जॉब, उस ल्यूक्रेटिव जॉब को पाने में। ल्यूक्रेटिव मीन्स क्या होता है बच्चों? ल्यूक्रेटिव जिसमें आपको अच्छी खासी कमाई हो, लाभ हो, वो क्या होता है? ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव मीन्स हो लाभदायक, एक ऐसा पद जिसमें बहुत लाभ हो, कमाई हो कह सकते हैं आप। दिस इज, तो यहां हैव के बजाय क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, 16th क्वेश्चन पे आ गए हम। टू बी अ किंग एंड वेयर अ क्राउन आर मोर ग्लैमरस टू सी देन टू बी। सबसे क्या है आपका? इसी में है, टू बी अ किंग एंड वेयर अ क्राउन। क्या होगा यहां? आर सही है या गलत? सही है या गलत, आर होगा कि नहीं? क्या ये दो अलग अलग चीजें हैं? टू बी अ किंग राजा होना एंड वेयर अ क्राउन मुकुट पहनना, क्या ये दो अलग अलग चीजें हैं? या राजा ही वो मुकुट पहनता है? जो राजा है वही मुकुट पहन रहा है ना, ये दो एक ही चीजें हैं। अगर दो एक ही चीजें हैं तो फिर आर कैसे ले रहे हैं आप? यहां क्या होना चाहिए था? एच होना चाहिए। तो एक के बाद दूसरी घटना है ना, टू बी अ किंग राजा बनना और फिर मुकुट पहनना, यही ना। यानी आर नहीं लीजिए, इस ले लीजिए। 17th क्वेश्चन पे आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा बच्चों अगर आप ये कर लेंगे तो आप अच्छे कहलाएंगे। व्हाई सम पीपल डोंट गेट व्हाट दे डिजर्व, क्यों कुछ लोग वो नहीं पाते हैं व्हाट दे डिजर्व, जिसके वो योग्य होते हैं, काबिल होते हैं। एंड व्हाई अदर्स गेट, क्यों दूसरे लोग वो प्राप्त कर लेते हैं व्हाट दे डोंट डिजर्व, जिस चीज को काबिल नहीं होते हैं। इज अ मैटर डिसाइडेड बाय लक, ये वो मसला है जो किसके द्वारा निर्णित होता है? भाग्य के द्वारा। सच है बच्चों, बहुत बार आप बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन आपको जॉब नहीं मिलती है, और कभी कभी वो लोग जॉब पा लेते हैं जो उसके काबिल नहीं होते हैं। तो दिस इज व्हाट डिसाइडेड बाय लक, लेकिन ये आधा गलत बच्चों, ये केवल भाग्य निर्णय नहीं कर सकता है, आपका हार्ड वर्क निर्णय कर सकता है। लेकिन हार्ड वर्क विद किस चीज के साथ ये निर्णय करेगा आपका? किस चीज के साथ? यानी केवल कठिन परिश्रम ही आपका नहीं करेगा, कठिन परिश्रम के साथ आपके पास एक ऐसा माइंड हो बच्चों, यानी दिमाग हो, साथ हो भी विद शार्प माइंड, यानी केवल हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्क विद शार्प माइंड, यानी मेहनत करें लेकिन शार्प माइंड। बहुत बार हम किताबें पढ़ते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, नहीं सफल होते हैं, लेकिन अगर हम उन्हीं किताबों को अगर वो पढ़ें जो हमारे काम का है तो हम सफल हो जाएंगे। जैसे आप कर रहे हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ें, मेहनत करें, सबसे अधिक दिया जाता है। मैं जानता हूं कभी कभी आपकी दिक्कतें भी आती, नहीं समझ में आता होगा, क्या दिक्कत है? अगर आपने 20 क्वेश्चन किए, आपने 19 18 समझ लिए तो बहुत बेहतर है, 15 समझ लिए बहुत बेहतर है। लेकिन आप जो नहीं पा रहे हैं बच्चों, उससे आप दुखी हो रहे हैं, और जो आपके पास है वो पूंजी नहीं बना रहे, ये बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। जिन बच्चों की मैं उनकी बात कर रहा हूं, बच्चों निराश नहीं हो कभी, पॉजिटिविटी को विकसित करें, न कि नेगेटिविटी को कभी विकसित होने दें। ओके समझ में आ रहा है कुछ आपको? आपको लगेगा बच्चों यहां दो क्लासेस हैं, व्हाई सम पीपल डोंट गेट व्हाट दे डिजर्व एंड व्हाई अदर्स गेट व्हाट दे डोंट डिजर्व, दो क्लासेस हो गई, आर अ मैटर डिसाइडेड बाय लक। लेकिन ध्यान देखिए बच्चों, ये सारी चीजें एक मसला है, ये इस किसके लिए? इनके लिए नहीं है, ये इस किसके लिए है? इज अ मैटर, ये एक ऐसा मैटर है डिसाइडेड बाय लक, जो किससे निर्णित होता है? लक के द्वारा। तो इज अ मैटर, अ मैटर तो क्या होगा आपका? सिंगुलर, तो अ मैटर के साथ ऑलरेडी क्या लगा हुआ है? सिंगुलर, इट मीन्स यहां क्या हो जाएगा? नो एरर। पहला क्वेश्चन आपका नो एरर का मैंने दिया था, जिसमें मैं इसलिए इस दिया ताकि आप ये समझें कि यहां पे आर होगा, लेकिन मैंने दिया नहीं बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस मैंने वही क्वेश्चंस दें जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग सेट्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका थर्ड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बोले
अब तो समझ सकते हैं धीरे धीरे, आइडिया विकसित करें, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर काज, समझ रही है धीरे धीरे, आर अ मेजर काज। ये अ मेजर काज आर के रूप में लें आप, यानी एक्सीडेंट्स का जो एक बड़ा कारण है, ये है किसके लिए है? ड्रिंकिंग और ड्राइविंग के लिए नहीं है। वाक को अच्छे से पढ़ें, ये ड्रिंकिंग ड्राइविंग है क्या? अ मेजर काज, यानी एक बड़े मसला है, एक बड़ा कारण है ड्रिंकिंग और ड्राइविंग। और ये दोनों घटनाएं जो हैं एक ही है, चाहे आप ड्रिंक करें चाहे ड्राइव करें, पहले ड्रिंक करेंगे और फिर क्या करेंगे आप? ड्राइव करेंगे, और तब ये एक्सीडेंट्स का एक बड़ा कारण होता है। तो वास्तविक सब्जेक्ट ये है बच्चों, अ मेजर काज। तो अ मेजर काज है, अगर कहीं अ मेजर काज है तो इसके साथ आर कैसे सूट करेगा, क्या सूट करेगा इसके साथ? इज सूट करेगा, इसलिए यहां पर आर ना होकर के क्या हो जाएगा, यहां इज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर दिक्कत होगी फिर से उस क्वेश्चन को आप देखिएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए अच्छा है। आई एम थॉरली कन्विंस्ड, मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं, अर्थात ये मानता हूं, दैट की द बैडनेस एंड वल्गरिटी ऑफ मॉडर्न पॉपुलर आर्ट। अब ये तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता है ना, ये छांट दे बच्चों, इनको खत्म कर दें कि मॉडर्न पॉपुलर आर्ट के अनुसार कभी इज होगा, होगा कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आफ के बाद ही है आपके, तो आफ के पहले क्या है? द बैडनेस एंड वल्गरिटी, ये दैट क्लास के बाद है ना, ये तो पूरी क्लास सही है। आई एम थॉरली कन्विंस्ड, दैट के बाद द बैडनेस एंड वल्गरिटी, ये सब्जेक्ट है आपका, क्योंकि आफ के बाद सब्जेक्ट नहीं होना है, ये सब्जेक्ट नहीं होना आपका, तो इनका मैटर खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब द बैडनेस एंड वल्गरिटी इज द रिजल्ट ऑफ अ नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग कॉसेस, क्या गलत है बच्चों? द बैडनेस एंड वल्गरिटी इज, यहां मैं लिख दे रहा हूं फिर से, चलिए मैं इसे हटा दे रहा हूं तो आपको साफ साफ दिखाई देगा, अब ये दिख रहा होगा आपको। तो द बैडनेस एंड वल्गरिटी ये दो अलग अलग चीजें हैं या एक ही है, ये आपको समझना है। अगर आप ये समझ लेंगे तो ये भी समझ लेंगे। ये देखें, द मैनेजर एंड, याद आ गया, डेड, ये दो अलग अलग लोग हैं या एक, एक ही है ना, समझ रहे हैं ना? तो ध्यान देखें, बैडनेस के पहले क्या लगा है? द लगा है, लेकिन वल्गरिटी के पहले द नहीं लगा है। इसका मतलब ये दोनों को क्या माना गया? एक ही माना गया। और अगर दोनों को एक ही माना गया तो वर्ब भी तो एक ही के लिए है ना, है ना, इज, अर्थात यहां क्या हो जाएगा आपका? नो एरर हो जाएगा। यानी मैं पूरी तरह से मानता हूं कि जो बुराई और वल्गरिटी, गंदगी है, अश्लीलता है ऑफ मॉडर्न पॉपुलर आर्ट, यानी आधुनिक जो लोकप्रिय कला है, इसकी जो बैडनेस और वल्गरिटी है, इज द रिजल्ट, वो परिणाम है ऑफ अ नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग कॉजेस, कई सारे एक दूसरे से इंटरलॉकिंग कॉजेस, क्या था, एक दूसरे जुड़े हुए जो परिणाम होते हैं उनकी वजह होती क्या? बैडनेस और वल्गरिटी। लेकिन दोनों क्या हुआ? एक, क्योंकि बैडनेस के पहले द लगाया गया, लेकिन यही द कहां नहीं लगा? यहां नहीं लगा। अगर ये वाक्य होता द बैडनेस एंड द वल्गरिटी, तभी क्या हो जाता? अलग अलग हो जाता। ठीक है, तो इज यहां पे आपका सही है, नो एरर हो जाएगा। और ये आज के हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का ये पहला सेट है मेरा आपका, और ये बहुप्रतीक्षित होना चाहिए, क्योंकि ये वो सेक्शन है जो आपको रेगुलर करना चाहिए, और मैं रेगुलर चलाऊंगा, चलाता रहूंगा जब तक मुझे ना लगे कि हाँ अब ये मैंने पूरी तरह से करा लिया है। आठों जो बच्चे न पढ़े हों वो मेरे आठों जो पार्ट्स मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पढ़ाए हैं वो जरूर देखें। उन वीडियोज में टेक्निकल पॉइंट्स हैं कुछ बच्चों, टेक्निकल इश्यूज हैं कुछ जो आपको खराब लगते हैं, कभी स्क्रीन जो है हिल रही, कभी कोई पावर, लेकिन ये सब ना देखें बच्चों, आप पढ़ाई देखें कि आपको मिल क्या रहा, ये मैटर करता है आपका। ठीक है, तो बोले यहां अब तो कर लेंगे, आपको आना चाहिए द इव एंड फ्लो, कर लेंगे ना, मत आगे बढ़ेंगे, समझ जाए तुरंत कि द इव एंड फ्लो है तो आफ के बाद क्या है ये मैटर नहीं करता है। डाइट डाइट छोड़िए ना, इसको फेंक दीजिए उठा करके। आपका सबसे क्या है द एव एंड फ्लो, क्या ये द
फ्लो से पहले भी है क्या, तो समझ जाएंगे ना, नहीं ना, अर्थात ये दोनों एक ही हैं। अगर दोनों एक ही हैं तो हाउ कैन यू यूज आर, ये द एव एंड फ्लो क्या हो गया आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो फिर यहाँ पे आपकी सिंगुलर वर्ब भी रहेगी, अर्थात यहाँ आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस हो जाएगा। ठीक है, ये 20 क्वेश्चंस हैं आपके जो जरूर तैयार कर लेंगे आप। फिर इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस में रेगुलरली आपको देता रहो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रेगुलर नहीं रहेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये बीच में एक आध दिन गैप करके ही रहेगा ताकि आप इसे बेहतर तरीके से तैयार कर लें। मैं कोशिश करूंगा इसमें कंटिन्यू बनाए रखो, लेकिन इसमें बीच में गैप्स हो सकते हैं, क्योंकि इकट्ठा सब कुछ हो जाए ये मैटर नहीं करता है, आप तैयार भी करते जाएं, पहले जो वीडियोज हैं वो देखते जाएं कि आपने क्या पढ़ा है और यहाँ पे आप क्या चीज कर रहे हैं, तो आपको टाइम चाहिए और भी चाहिए, एडिटोरियल में पढ़ा रहा हूँ वो सब देखते जाएं, जल्दी फिर से एक्सरसाइज उनके मैं शुरू कर दूंगा एडिटोरियल की, वो सब देखते जाएं, तो सब मिला करके केवल इंग्लिश नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स वो भी केयर करें और यहाँ भी जितनी जरूरत है इंग्लिश पे वो भी अपनी दिया करें। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी बच्चों, मैथ्स का मैं बेसिक्स का बैच शुरू करने जा रहा हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ, नहीं नहीं आप ये मत सोचिएगा मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये दिल से सर पढ़ाएंगे जो काबिल हैं और बहुत सारी चीज़ें उनकी बेहतर हैं, जो बेसिक्स है या और भी एडवांस लेवल पर जो चीज़ें हैं, तो जो भी बच्चे UPSI वगैरह लेखपाली वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए एक बेहतर चीज़ होगी कि वो वहाँ से चाहें तो शुरुआत से पढ़ सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से आपको पढ़ाया जाएगा, सिर्फ टाइम एंड वर्क टाइम डिस्टेंस वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती जाएँ। ठीक है, कल से वो चीज़ें आपको मिलने लगेंगी, कल 5 बजे से वो वीडियोस उनकी अपलोड होंगी, तो वहाँ से आप उसकी तैयारी करिएगा, बाकी उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वीडियोस हैं, सुबह मेरा 9 बजे से रोज चल रहा है एडिटोरियल का, जिसे जरूर पढ़ें, वो ऐसा सेक्शन है जो इंग्लिश से संबंधित सारी चीज़ें मैं आपकी दूर कर दूंगा, स्पेशली जो वर्ड पावर वोकैब का सेक्शन है, ग्रामर की आपके दिक्कतें हैं, सारी चीज़ें आप मैनेज में कर दूंगा आप। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल हम आपसे, और तब तक के लिए आप ये चीज़ें तैयार करते रहिएगा ताकि आपका कोई नुकसान न हो और ये चीज़ें आराम से आपके क्या होती रहें, मेंटेन होती रहें। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत आपको अगर हो, कोई भी चीज़ आपको कभी हो जो आप मेरे से शेयर करें कि हाँ यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, थैंक यू।